कब आप दुखी होते हो, अभी दुख से मुक्ति मिल जाएगी। दुख कब, दुखी कब होते हो? जब मन के प्रतिकूल घटता है तब, कोई दुर्व्यवहार करता है तब, कोई हमारा प्रिय हमसे दूर हो जाता है तब, जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हो जाती है तब, इन्हीं स्थितियों में ना दुख होता है। तो मन के प्रतिकूल होने पर दुख होता है, तो ऐसी दुनिया में कोई ताकत है जिसके मन की अनुकूल सदा बने रहे? और छोड़ो, दुनिया में ऐसी कोई स्थिति है जो हर पल तुम्हारे मनोनुकूल हो? आज जो अनुकूल है कल प्रतिकूल हो जाती, अभी जो प्रतिकूल है थोड़े देर बाद अनुकूल हो जाती। ये तो मन का खेल है। मन के प्रतिकूल होने पर दुख होता है। यदि हमने मन को अपने अनुकूल बना लिया कि भाई अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें उससे प्रभावित नहीं होना, दुख होगा क्या? ये बताइए, चीजें व्याख्या करती है कि ये अनुकूल है या प्रतिकूल? कि मन क्या करती है? मन, तो मन किसका है, तुम्हारा कि सामने वाले का? मन किसका है? खुद का है ना। जब तुम्हारा मन है तो उसे संभालो। अपने मन को खराब क्यों करते हो? खराब करोगे तो दुखी होगे। तय कर लो, आज से हम अपने मन को खराब करेंगे ही नहीं, हर पल प्रसन्न रहेंगे। दुख के कारणों के आने पर भी हम अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखेंगे। सुबह से अपने मन में संकल्प लो कि आज पूरे दिन मुझे प्रसन्न रहना है, चाहे जैसे भी दुख के कारण आए, मुझे प्रभावित नहीं होना, अपने मन को दुखी नहीं करना। दुखी हो सकोगे क्या? तो दुख से मुक्ति मिलेगी कि नहीं? मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। तो आप दुख से मुक्ति हो, अपने दुर्गुणों को दूर करने का संकल्प लीजिए। मेरे अंदर की जो भी दुर्गुण हैं, खोटी आदतें हैं, खोटी प्रवृत्तियां हैं, उनके प्रति जागरूक हो जाएं और ये संकल्प करें कि मैं उनको अब उखाड़ फेंकूंगा, उन्हें पनपने नहीं दूंगा। अपनी जो भी दुर्बलता है उसको खुद कटोलिए कि मेरे भीतर ये दुर्बलताएं हैं, एक एक करके उन दुर्बलताओं को दूर करने का संकल्प जगाइए। हमारी दुर्बलताएं धीरे धीरे दूर होगी। मेरे जो दोष हैं उन्हें मुझे दूर करना है, दोषों को मुझे पुष्ट नहीं करने देना है, ये संकल्प अपने मन में जगाइए। धीरे 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 दोष भी दूर होंगे। तो जब आपके अंदर अपने दुखों का, दुर्गुणों का, दोषों का और दुर्बलताओं को दूर करने का संकल्प जग जाएगा, इनसे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बोलो। ध्यान रखना, बिना संकल्प के सिद्धि नहीं होती। मुक्ति चाहिए तो तुम्हें मुक्ति का संकल्प लेना होगा।